तो आगे के 3 स्टोरीज दिए हुए हैं कि हमको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, मतलब सॉरी 3 स्टोरी इस सेमेस्टर में पढ़ना है। वी आर फ्रेशर्स ना। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं लगता है? आज हम टाइम टेबल के हिसाब से संस्कृत क्लास लेने गए, हिंदी की क्लास लेने गए, तो वहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लास चल रही थी। ऐसे बायो के लिए कैसे प्रिपेयर किया, कहीं से कोचिंग वोचिंग किया था कि सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी किया था मैंने। तो जूनियर्स को बताइए कैसे पढ़ें कि उनका निकल जाए, आपने क्या रूटीन फॉलो किया? मैंने वही फर्स्ट ईयर वाली है, हम थर्ड ईयर के हैं। थर्ड ईयर के हैं आप, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट सब लोग दीजिए इनको। यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं जूनियर्स? सब तो बोलते हैं कि आप तो लगती ही नहीं है कि आप थर्ड ईयर। हरियाणा में रह के हिंदी क्यों पसंद है ज़्यादा? मम्मी यूपी की है ना। कौन कौन इसमें से बाहर रूम लेकर के रह रहा है, कोई आप लेकर के रह रहे हो, क्या खर्चा आ रहा है बाहर? अच्छा, हम जो कंटेंट बनाते हैं आप देखते हो? यस। तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा वल्गर, थोड़ा मजाक, ये सब चीजें देनी चाहिए। भैया बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मैं बहुत समय से देख रही हूँ, मेरे फैमिली में भी सब लोग देखते हैं, पापा भी ध्यान से। फैमिली में देखने लायक है ये? यस। वही मैं, मेरी भी मम्मी इनकी सारी वीडियोस देखती हैं। मम्मी भी देखती हैं? हाँ, क्यों? साथ में। जानती हैं? Yes. क्या नाम है मेरा? हिमांशु। हिमांशु नाम है? नहीं, मेरा नाम तो मोहन है। नहीं नहीं, हिमांशु है। पहले मेरे कैमरामैन का नाम मोहन था। सही में तो यार कैसी किताब है ये? संस्कृत। क्यों खरीद लिया किताब? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए? किसी ने बताया पढ़ने के लिए कि ये सिलेबस है क्या? सिलेबस आगे के 3 स्टोरीज दिए हुए हैं कि हमको 3 सेमेस्टर तक पढ़ना है, मतलब सॉरी 3 स्टोरी इस सेमेस्टर में पढ़ना है। वी आर फ्रेशर्स ना। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं लगता है? जी बिल्कुल भैया, शुरुआती है, धीरे धीरे लगने लगेगा। धीरे धीरे लगने लगेगा। तो क्या 12th तक कोई पढ़ाई नहीं हुई थी क्या? नहीं, पढ़े हैं, मतलब अभी नए नए आए, ग्रेजुएशन है। क्या नाम है? हंसिका यादव। कहाँ से हैं? यहीं से, सिगरा से। यहीं सिगरा से ही? हाँ। सब लोग लोकल हैं क्या? नहीं नहीं, आप कहाँ से? अयोध्या से। क्या नाम है? कल्पना पटेल। अच्छा, क्या आप लोग किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं? मेरा ऑनर संस्कृत है और हिंदी है और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अच्छा, मतलब सब लोग बीए आर्ट्स से हैं? ये बोल सकते हैं। हम लोग बीए सोशल साइंस के हैं। तो सोशल साइंस वाले आर्ट्स के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग आपको देखने के लिए आए थे। अच्छा, बढ़िया काम करते हैं हम? जी आप बहुत अच्छा करते हैं, हम आपका चैनल देखते थे। बहुत अच्छा। तो एक बार बताइए, CUET सब लोग फ्रेशर्स हैं ठीक है? अब कैसा लगा BHU? तो मैं तो सबसे पूछता हूँ, लेकिन आज मैं पूछने वाला, काफ़ी 10-15 दिन हो गए लोगों को आए हुए ना सबको? आज पहला दिन है, कैसा लगा फिर आज? अच्छा लगा। अच्छा लगा, बेकार नहीं लगा? नहीं, कुछ भी नहीं बेकार लगा। नहीं। किसको बेकार लगा यहाँ पे? कोई भी एक पॉइंट जो हमें बेकार लगी हो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में, सही सही उसको सुधारी जाए, कुछ है क्या? है सर, बहुत लेट है अभी सिलेबस, और हम लोग आ रहे हैं 2-3 दिन से, तो एग्जाम की वजह से क्लासेस कैंसिल कर दी जा रही हैं। बहुत लेट चल रहा है, लेट चल रहा है। और शेड्यूल हम लोग को ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हुआ था जब पहली बार आए थे तो। शेड्यूल कैसा? शेड्यूल टाइम टेबल क्लासेस चलेंगी? बहुत कम चलती है। आज हम टाइम टेबल के हिसाब से संस्कृत क्लास लेने गए, हिंदी की क्लास लेने गए, तो वहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लास चल रही थी, तो बहुत दिक्कत हुई। सिर्फ आज सिर्फ संस्कृत के लिए पाए, बस संस्कृत के लिए बस। और ये कोई लोग DU में भी, किसका DU में हो रहा था? DU में बहुत पहले हाथ आप खड़ा कर दिया। कितना इंडेक्स था CUET में? सर मेरा था 365। कैसे आ गया 365? सर मैं BSc बायो की हूँ स्टूडेंट। BSc बायो की हैं? सोशल साइंस आर्ट्स बायो, सभी लोग एक साथ मिल गए, पूरा मिक्सअप हो गया ये वीडियो। कैसे बायो के लिए कैसे प्रिपेयर किया, कहीं से कोचिंग वोचिंग किया था कि सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी किया था मैंने। तो जूनियर्स को बताइए कैसे पढ़ें कि उनका निकल जाए, आपने क्या रूटीन फॉलो किया? मैंने तो रूटीन यही फॉलो किया था, 12th की NCERT मैंने पढ़ी थी अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? यस। आप जैसे कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कर रहे होंगे NEET JEE, तो उसके हिसाब से आप करिए, उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वैसे ही आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है, अच्छे से प्रिपेयर करिए, बस NCERT पे ध्यान दीजिए। सब NCERT पे ध्यान दीजिए। NCERT तो मतलब लोग तो सभी लोग NCERT पढ़ते हैं, लेकिन BA में एडमिशन करवाना है तो अपना जो सब्जेक्ट है उसी से हो जाएगा। मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं किया था अलग से। भैया मैं तो इतना सजेस्ट करूँगी कि अगर GET प्रिपेयर कोई कर रहा है तो वो 90% मैथ और रीजनिंग पढ़ ले, वो भी बिल्कुल बेसिक, एकदम जीरो लेवल का आता है, मतलब बिल्कुल टफ नहीं होता। टफ नहीं था? स्टैंडर्ड क्या लगा? एयर तक का मैथ जो था ना वो बहुत ईजी था, इवन 5th के बच्चे उसे कर लेते इतना ईजी था। LCM टाइप के क्वेश्चन तक आ गए थे, LCM HCF करके, तो GET का मैथ बहुत ईजी था। और बोर्ड मार्क्स के भी क्वेश्चन, हाँ बोर्ड मार्क्स के भी बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन थे।
बोर्डमोस क्या होता है भाई? तो नहीं पता कुछ। अरे वो ब्रैकेट का क्वेश्चन होता है ना, प्लस मल्टीपल डिवीजन। इजी क्वेश्चंस को आ गए थे, जैसे वेन डायग्राम से आया था तो उसमें ऑर्डर करना था लाइक सेल टिश्यू बॉडी, तो उसे तो बच्चा भी कर लेगा। तो कुछ बहुत इजी भी थे, कुछ बहुत टफ भी थे। करंट अफेयर से काफी टफ क्वेश्चन निकल जाता है ना एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए सब इजी। नबेन क्या नाम है? मेरा पायल मौर्य। पायल पीछे क्यों खड़ी है एकदम वहां पे? वो ये फर्स्ट ईयर वाली है, हम सेकंड थर्ड ईयर के हैं। थर्ड ईयर के हैं आप, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट सब लोग दीजिए इनको। यहाँ पे रिस्पेक्ट देते हैं जूनियर्स? सब तो बोलते हैं कि आप तो लगती ही नहीं है कि आप थर्ड ईयर। हमको लगता है कि आप अगले साल भी फर्स्ट ईयर में ही लगेंगे ऐसे ही ना। पता नहीं सर, मेरा सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स आर वेरी सपोर्टिव। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, सही में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वो जो माहौल, हम जैसा कि मान लीजिए कि हम जैसे यहाँ पे आते हैं एज अ वुमेंस कॉलेज, यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या एकदम वैसा फील होता है कि हम सेफ हैं, सिक्योर हैं, क्योंकि इसीलिए हम उस कैंपस में नहीं जाते हैं, मेन कैंपस में एडमिशन नहीं लेते जहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। क्या यही खास वजह थी MMB चुनने का कि मिल गया MMB? मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। हॉस्टल भी एक मतलब वजह थी, हॉस्टल एक रीज़न था। यहाँ पे हॉस्टल मिलने में आसानी होती है गर्ल्स को, इसलिए MMB भी प्रायोरिटी था हमारा। हॉस्टल मिल गया, कितने लोगों को हॉस्टल मिला इसमें से? हर महीने में अच्छा है। कौन कौन सा महीने में? बहुत सारे हॉस्टल तो मिल जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और ये क्या है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ऑल आवर गर्ल्स, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन भाई? और सेफ्टी अगर देखें तो FMC से ज्यादा यहाँ मिल जाएगा, गेट के अंदर कोई भी आ नहीं सकता, वो तो हर कोई चला जाता। मैं तो चला आया भाई अंदर। आप आ सकते हैं ना, आपको तो मीडिया पर्सनल है। मीडिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज्ञा चौहान है। अनुज्ञा, और आपका नाम भाई? देविका। देविका, देविका ठंडी लग रही है ये, अच्छा नहीं। ये क्या बोला जाता है इसको? हेयर बैंड बोला जाता है ना। मोर कॉन्सियस अबाउट योर हेयर ना। कितना नंबर आया CUET 2022 के? 282 आउट ऑफ 400। 400। BSc क्या है? BA है या BSc? BA आर्ट्स। यस सर। पर्सनालिटी लेवल में ऐसे क्यों घबरा रहे हो? हरियाणा? यस सर। हरियाणवी आती होगी बढ़िया से ना? नहीं नहीं आती, हिंदी ज्यादा प्रायोरिटी है। ज्यादा प्रायोरिटी हिंदी है? हमसे तो बहुत लोग मिलते हैं हरियाणवी बोलते हैं, बोल ही नहीं पाते हिंदी वो ठीक से। नहीं, हमको हिंदी ज्यादा पसंद है। ज्यादा पसंद है क्यों? हरियाणा में रह के हिंदी क्यों पसंद है ज्यादा? मम्मी यूपी की है ना। ये चेंज है यहाँ पे, मम्मी यूपी है। खाना पीना यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है? खा रहे हो आप लोग? अभी तो खाए नहीं। नहीं खाए हम यहाँ। कौन कौन इसमें से बाहर रूम लेकर के रह रहा है? कोई आप लेकर के रह रहे हो? क्या खर्चा आ रहा है बाहर? 3,000 का तो रूम पड़ गया है, और कम 3-4,000 तो पूरा खरीदने में लगा है, पूरा सामान का है। वो तो एक बार खरीद लेते हैं शुरू में, और कुछ नहीं है ज्यादा। और कुछ नहीं तो मतलब 3,000 रुपए हमें पर मंथ देने होंगे रूम का। हाँ। खाना इंक्लूडेड नहीं है? नहीं नहीं, मेरा तो 6,000 है। आपका 6,000 कैसे है? गर्ल्स हॉस्टल है ना। आपका क्या है, बॉयज हॉस्टल है? नहीं, मेरा रूम है। उसमें खाने की भी व्यवस्था है। खाना इंक्लूडेड है? खाना इंक्लूडेड है। और खाने की क्या क्वालिटी हमें मिल रही है यहाँ? बढ़िया क्वालिटी मिल रही है खाने वाने की? अभी तो खाए नहीं है। आपका पहला दिन है? आज पहला दिन है। हमें और क्या पूछना चाहिए मान लीजिए इनसे? इनसे हम और क्या पूछें? इनसे इनसे केमिस्ट्री के बारे में पूछनी चाहिए। केमिस्ट्री की रिसर्च स्कॉलर नहीं है भाई ये? केमिस्ट्री वाले? केमिस्ट्री है, मेरा मेजर है एक्चुअली, मैं ऑनर्स उसी से करूँगी। अच्छा, केमिस्ट्री क्यों लिया आपने? सर मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है पहले से, मुझे 11th और 12th से ही केमिस्ट्री NCERT बहुत अच्छी लगती थी, खासकर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो आपने, आपका बायो रहा होगा बैकग्राउंड ना? यस सर। 12th में? यस। तो ये मेडिकल के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? मेडिकल के लिए ट्राई किया था इस बार, और इसी के साथ एंट्रेंस भी दिया था, DU का भी दिया था, BHU का भी दिया था। अच्छा अच्छा, हम जो कंटेंट बनाते हैं आप देखते हो? यस। तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा वल्गर, थोड़ा मजाक, ये सब चीजें देनी चाहिए? भैया बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मैं बहुत समय से देख रही हूँ, मेरे फैमिली में भी सब लोग देखते हैं, पापा भी ध्यान। फैमिली में देखने लायक है ये? यस। वही मैं, मेरी भी मम्मी इनकी सारी वीडियोस देखती हैं। मम्मी भी देखती है? हाँ, क्यों? वो मतलब जैसे आपकी वीडियो देख के यहाँ के माहौल के बारे में पता करती है, बच्ची जा रही है पढ़ने में, हमारी लड़की जा रही तो BHU कैसा है वहाँ पर, तो इसलिए देखती हूँ। तब मुझे कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता कि मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन ही नहीं होते। दरअसल क्या होता है ना कि अगर आप लोग कुछ ज़्यादा दिन यहाँ पे रहते, थर्ड ईयर में होते, जैसे वो है ना दीदी थर्ड ईयर में है, इनको थोड़ा इधर आइए, तो थर्ड ईयर में आप हैं अभी, तो ये लोग नए नए हैं, बच्चे हैं, लेकिन आप सीनियर हैं। दो साल ऑनलाइन ही चला गया था, तो ऑनलाइन ये थर्ड ईयर में हम आए हैं ऑफलाइन। तो ऑनलाइन क्या एक्सपीरियंस था सर? ऑनलाइन भी अच्छा ही था,
सब क्लासेस भी अच्छे चलते थे, लेकिन कहाँ अच्छे चलते थे क्लासेस, झूठ नहीं बोलिए। नहीं सर, अच्छा रेगुलर चलता था क्लास, झूठ इसमें क्या बोलना है, सही में चलता था रेगुलर। यस सर, या मम्मी में चलता था। और सभी लोग तो भाई रो रहे कर रहे हैं क्लासेस ही नहीं लिए। मेरा हिंदी ऑनर्स है, उसमें सब चला था क्लास, और सब्जेक्ट का नहीं बता सकते। सेमेस्टर में मार्किंग कैसी मिली थी, एवरेज मिली थी सबको एक बराबर की कुछ अलग मिला था? अमन नहीं, एवरेज नहीं, एवरेज नहीं मिला था। नहीं नहीं, सबको बराबर नहीं मिला था, सही मिला था ज़्यादा, मतलब कि सभी को मैक्सिमम बराबर नहीं मिला था, किसी को ज़्यादा मिला था, किसी ने मुझे जैसा लिखा हुआ था वैसे ही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, मतलब बढ़िया प्रोफेसर जो बोलते हैं क्या वो किफ़ायती है, बढ़िया है पढ़ाने में? हाँ सर, सभी तो वो स्टैंडर्ड मिला है, BHU वाला स्टैंडर्ड। हाँ सर अच्छे, तो भाई हमारे स्कूल में भी टीचर थे तो अच्छे तो हो रहे, जो एक ही स्टैंडर्ड होता है ना, हम BHU से उठ करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, अगर ऑक्सफोर्ड समझ रहे हो ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं अगर, तो हमें लगता है कि BHU से भी अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे, वही BHU जैसे मिलेंगे, तो फिर क्या ही अंतर रह जाएगा BHU और ऑक्सफोर्ड में? ऐसा कुछ फील हुआ लेक्चर्स अटेंड करते समय? यस सर, सर अच्छे सब टीचर अच्छे थे, जो भी प्रोफेसर थे सब लोग अच्छा पढ़ाते थे। प्रॉब्लम कुछ नहीं सर, कोई प्रॉब्लम, बस ये था कि ऑनलाइन में नेटवर्क का प्रॉब्लम था कि छोड़ दिया नेटवर्क। यस, यहाँ पे तो वाईफाई मिला होगा आप लोग को बढ़िया से ना? उन लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होता था, ज्यादा प्रॉब्लम होता था। हम तो पास में ही है, मेरा तो सही था, और जो दूर दूर के थे उन लोग गांव में, तो उन लोग का नेटवर्क छोड़ देता था, तो उन लोग फिर लीव हो जाती थी, क्लास छोड़ना पड़ता था। तो आप भी BHU पढ़ा है? हाँ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ मैं, और बस थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम है। यस मैम, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप?